ये अब ऐसा ट्रैक्टर आ गया, इसमें जो है जो CRD टेक्नोलॉजी है वो और ट्रैक्टरों से अलग है, और इसमें जो है जो सामने आप ये EGR सिस्टम देख रहे हैं ये भी दूसरे ट्रैक्टरों से इस ट्रैक्टर के अंदर अलग है, देखने को आपको जो है मिलेगा। साथ में इस ट्रैक्टर में जो है टर्बो, टर्बो तो सभी ट्रैक्टरों में होती है, लेकिन इस ट्रैक्टर की जो टर्बो है वो और ट्रैक्टरों से अलग है। वो कैसे वो हम आपको जो है डिटेल वीडियो में बताएंगे, तो इसलिए आप बने रहें इस वीडियो के अंदर, जिससे आपको इस ट्रैक्टर के बारे में पता लग जाएगा। धन्यवाद सभी देखने वाले हमारे दर्शकों को। आज हम आपके लिए लेके आए हैं जॉन डियर कंपनी का 5310। 5310 ये जो ट्रैक्टर है ये और ट्रैक्टरों से अलग है। ये पहले जो ट्रैक्टर आते थे वो ट्रैक्टर अब ये नहीं है 5310, ये इसकी जो है HP भी ज़्यादा है। हाँ भाई, इस ट्रैक्टर की HP ज़्यादा है, 57 HP कैटेगरी के अंदर ये ट्रैक्टर आपको देखने को मिलेगा। 3 सिलेंडर ट्रैक्टर, 2900 CC के इंजन के साथ, और जो है इस ट्रैक्टर के अंदर 13 सेंसर हैं। 13 सेंसरों का जो है आपको जो है डैशबोर्ड में जो है रिकॉर्ड मिलेगा। और नई बात इसके अंदर जो इस ट्रैक्टर की जो क्रैंक है, क्रैंक के अंदर भी सेंसर लगा हुआ है, जिससे क्रैंक के अंदर भी कोई शिकायत आ जाएगी तो क्रैंक का जो है मीटर में जो है पता लग जाएगा। सारा जो है इंजन सारा पढ़वाने की ज़रूरत नहीं, खुलवाने की ज़रूरत नहीं, और सारा जो इंजन खुलवाने की ज़रूरत नहीं। इसमें जो है पढ़े लिखे मिस्त्रियों का जो है अभी इन ट्रैक्टरों के अंदर काम रह गया। पहले वाले जो मिस्त्री हैं वो मिस्त्री भी जो है ट्रेनिंग कर लें, क्योंकि आगे जो है इन्हीं का ज़माना और यही ट्रैक्टर आने लग गए, मजबूरी होगी, दूसरा ट्रैक्टर जो है किसान को नहीं मिलेगा। तो इसका जो डिटेल रिव्यू है वो फ्रंट से शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देखो इसका जो बोनट है, सिंगल पीस मेटेलिक बोनट के साथ ये ट्रैक्टर है। अंदर 2 हाइड्रोलिक जैक इस ट्रैक्टर के अंदर लगे हुए हैं। सामने की तरफ जो है 2 हेलोजन लैंप, और जो है लुक देखो सबसे पहले आप इस ट्रैक्टर की, दूर से भी देखोगे तो ये क्रोम फिनिशिंग लाइट के अंदर जो है आपको ये ट्रैक्टर को जो है दोनों लाइट देखने को मिलेंगे। बीच में जो है जॉन डियर का लोगो, और जो है 3 डायरेक्शनल जो है इसके अंदर जो है कूलिंग सिस्टम आपको देखने को मिलेगा। तीनों तरफ से जो है जाली इस ट्रैक्टर के अंदर लगी हुई है, जिससे ट्रैक्टर में जो है कूलिंग जो ट्रैक्टर की है वो बड़ी ही ज़बरदस्त जो है रहने वाली है। और लुक देखो आप ट्रैक्टर का, कितना शानदार लुक जो है ट्रैक्टर का दिखाई दे रहा है। एक तरीके से जो विदेशों में आप ट्रैक्टर देख रहे हैं उसी टेक्निकल उस पर जो है कंपनी इस लुक को लेके आई है। और जो है इस ट्रैक्टर की मैं आपको बता दूं, आपको किसी ने नहीं बताया होगा, इस ट्रैक्टर की पहले वाले जो 5310 ट्रैक्टर थे उनसे जो है लंबाई ज़्यादा है। हाँ आपने ठीक सुना है, इस ट्रैक्टर की लंबाई भी ज़्यादा है और इस ट्रैक्टर की हाइट भी ज़्यादा है। नीचे से जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो भी इस ट्रैक्टर का पहले वाले 5310 ट्रैक्टर से ज़्यादा है। आप जो है ये बात मेरी नोट रखें, और जो है फीता लेके, फीता मार के जो आप इस पर देख सकते हैं। सिंगल पीस मेटेलिक पेंट के साथ जो है ये ट्रैक्टर आपको देखने को मिलेगा 5310, और जो है ऊपर जो आप देख रहे हैं क्रोम की फिनिशिंग के साथ जो है इसका शानदार जो है लोगो ये लुक बनाती है ये देखो। और जो है दोनों तरफ जो है हैलोजन लैंप, और यहाँ से जो है आप इसको चाबी की मदद से जो आप इसको आसानी से जो है खोल सकते हैं। ये देखो सामने जो है आपको इंजन दिखाई देगा, जिससे किसान आसानी से इस ट्रैक्टर का कोई भी रख रखाव है, साफ सफाई है, वो कर सकता है। सामने आपको देखने को मिलेगी 12 वोल्ट की बैटरी, और बैटरी के ऊपर आपको देखने को मिलेगा डीजल कूलर, उसके बाद इंटरकूलर, और उसके बाद जो है आपका रेडिएटर, जो है रेडिएटर के आगे जो है जाली लगी हुई है, जिसको किसान आसानी से ऐसे बाहर निकाल के जो है साफ कर सकता है। स्टेनलेस स्टील की जो है जाली इस ट्रैक्टर के अंदर जो है देखने को मिलेगी, जो है आपकी गलेगी नहीं, जरेगी नहीं, क्योंकि लंबे समय तक जो है काम करने के लिए जो है इस ट्रैक्टर के साथ ये सारी चीज़ें दी गई हैं। जॉन डियर जो है क्वालिटी के साथ कभी भी समझौता नहीं करता, इस तरीके से जो है ट्रैक्टर अपना बनाता है। और सामने जो है ये इसका एयर क्लीनर, ड्राई टाइप एयर क्लीनर के साथ ये ट्रैक्टर है। अंदर से आपको खोल के दिखा दूं, यहाँ से जो है ऐसे डबल जो है इसके अंदर जो है फिल्टर आपको देखने को मिलेगा, ऐसे आप आसानी से जो है इसको खोल सकते हैं। ऐसे जो है ये निकल गया, और इसके अंदर ये फिल्टर देख लो आप, एक तो ये फिल्टर है इस ट्रैक्टर के अंदर, और इसके अंदर एक और फिल्टर आता है ये देखो, छोटा फिल्टर जो है, जिससे बहुत ही शुद्ध हवा जो है अंदर जाती है, जिससे हमारे इंजन की जो लाइफ है वो बहुत ही अच्छी बन जाती है, जिससे हमारे इंजन में कभी भी जो है फॉल्ट नहीं आता। बहुत ही सावधानी जो है इन्होंने इसके अंदर जो है बरती है। और दूसरी तरफ जो है आपको मैं दिखाऊं तो इसका जो और ट्रैक्टरों से अलग वो क्या बात है, इसका जो रेडिएटर है उसकी जो है चौड़ाई देखो आप,
कितनी चौड़ाई जो है रेडिएटर की दी गई है, जिससे इस तरफ भी जो है जाली लगी हुई है और इस तरफ जो है ये पंखा है, जिससे मोटा रेडिएटर होने का मतलब ये है जिसकी चौड़ाई ज़्यादा है। तो एक तरीके से जैसे आजकल कूलर आते हैं हमारे, कूलर में जो है दूसरी तरीके की जो है वो जाली आने लगी, तो इस तरीके से अगर मोटी जाली होगी तो कूलिंग अच्छी होगी, आपका जो है इंजन गर्माएगा नहीं, रैपर पे जो है खुल के चलेगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसके अंदर आएंगी। और एक इसमें जो है ट्रैक्टर के अंदर क्रैंक के अंदर भी सेंसर दिया गया है, जिससे मीटर में आपको पता लग जाएगा, सारा ट्रैक्टर खुलवाने की जरूरत नहीं है कि भाई इसकी जो है क्रैंक में या किसी भी चीज़ में अगर कोई फॉल्ट है। हर जगह इस ट्रैक्टर के अंदर सेंसर हैं, 13 सेंसर हैं। आप किसान ये भी सोचेंगे कि इतने सेंसर, लेकिन वो सेंसरों की लाइफ भी ऐसी बात नहीं है कि सेंसर लगा दिए तो वो 2-4 दिन के अंदर ख़राब हो जाएंगे। जितने दिन ट्रैक्टर चलेगा उतने दिन ही जो है सेंसर आपके जो है काम करेंगे, अच्छे तरीके से काम करेंगे। अब जो है इसकी थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ें देख लेते हैं कि इस ट्रैक्टर के अंदर क्या क्या है। सबसे पहले तो ये EGR सिस्टम है। EGR ये जो है पहले जो EGR आता था उससे ये EGR अलग है। इसमें जो है पानी और आपकी जो है गैस है वो दोनों जो है साथ साथ चलती हैं, जिससे जो है गैस ठंडी होकर जो है ट्रैक्टर के अंदर जाती है। ये जो है आपका वाटर सेपरेटर दिया गया है, वाटर सेपरेटर के नीचे सेंसर दिया गया है। ये यहाँ पे ये देखो, सेंसर का काम ये है कि जब भी ट्रैक्टर के अंदर कोई भी पानी आ जाएगा, कचरा आ जाएगा, तो मीटर में आपको पता लग जाएगा। साथ में ये जो फिल्टर दिया गया है ये डीजल फिल्टर है, और ये जो है इस ट्रैक्टर का फीड पंप दिया गया है। ये देखो इस तरीके से जो है ये आपका फीड पंप काम करेगा। यहाँ पे भी जो है सेंसर दिया गया है, जिससे आपकी डीजल की सफाई का जो है पता चलेगा। साथ में ये सारी डिटेल यहाँ पे दी गई है। ये देखो ये बिल्कुल ताज़ा ट्रैक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग डेट है 2023 तीसरे महीने के जो है मैन्युफैक्चरिंग डेट ये यहाँ पे लिखी हुई है। और जो है इसमें नीचे से दिखा दूँ आपको, ये देखो कितना फ्लैट, जो एक तरीके से कोई भी ज़्यादा कोई भी चीज़ जो है इसके अंदर ज़्यादा नीचे ऊपर नहीं है। और जो है नॉन एडजस्टेबल एक्सल के साथ ये ट्रैक्टर आपको देखने को मिलेगा। किसान अपने हिसाब से नहीं एडजस्ट इसको कर सकता, और जो हैवी स्पेंडल के साथ। और ये जो है इसका जो है पंप है, जो हमारा CRD टेक्नोलॉजी है उसका पंप है जो ये यहाँ पे दिया गया है। और साथ में जो है ये यहाँ पे जो है टर्बो दी गई है। टर्बो में जो है खास बात ये है कि टर्बो की जो टर्बो ने पहले तो यहाँ से हवा ली, यहाँ से हवा लेने के बाद फिर वापस इस पाइप के द्वारा, ये देखो इस पाइप के द्वारा जो है इंटरकूलर से होते हुए जो है आपकी जो हवा है वो दोबारा जो है इंजन के मैनिफोल्ड के अंदर जो है यहाँ पे जो है इसने इसको पहुँचा दिया। और एक इसकी बात कर रहे थे हम, ये जो है यहाँ पे जो ट्रैक्टर में मान लो बैक प्रेशर हो गया किसी कारणवश, तो उस ट्रैक्टर के बैक प्रेशर के जो तेल है, नीचे वाला जो तेल है ट्रैक्टर का, उसको जो है बाहर नहीं आने देगा। वापसी की पाइप से यहाँ से जो है बाहर नहीं आने देगा, उस तेल को वापस जो आपके इंजन तक जाएगा, इसके अंदर से सिर्फ भाप आएंगे, जिससे आपका इंजन का जो नीचे वाला जो मोगलेल है वो जो है कम नहीं होगा, और जिससे आपका ट्रैक्टर के इंजन के अंदर कभी भी शिकायत नहीं आएगी। डबल पंप इसके अंदर है, और ये आपको मैं दिखा दूं, 3 सिलेंडर इंजन 2900 CC, और ये CRD टेक्नोलॉजी का, ये इसमें जो है हॉट गाड़ियों वाला जो है कूलिंग सिस्टम इस ट्रैक्टर के अंदर आपको जो है देखने को मिलेगा। और इंजन ऑयल जो है आपको देखना है तो यहाँ से जो इस गेज को निकाल के जो आप इसके इंजन ऑयल को देख सकते हैं। साथ में जो है हीट गार्ड दिए गए हैं, जिससे हीट गार्ड में जो है पीछे कोई भी गर्म हवा जो है ट्रैक्टर के नहीं जाएगी। और पावर टेक और गियर प्रो और V1 गियर प्रो जो है मॉडल, ये ट्रैक्टर का नाम है। और ये इसकी क्लच, और लगभग एक जैसा जो पायदान इस ट्रैक्टर के अंदर जो आपको देखने को मिलेगा। अब मैं ऊपर से दिखा दूँ बैठ के, ये देखो ये इस ट्रैक्टर का जो है क्लस्टर मीटर है, सारे सेंसरों की रीडिंग जो है आपको यहीं दिखाई देगी। और ये जैसे दोबारा बंद करके इसको चालू करेंगे, ये देखो कितना शानदार जो है इसका क्लस्टर मीटर, 12 वोल्ट की जो है इसके अंदर चार्जिंग, और ये जो है पार्किंग स्विच। और सबसे अलग बात ये जो है, ये आप बटन आप इसमें देख रहे हैं, ये इको मोड नीचे और स्टैंडर्ड मोड ऊपर। जब आपने किसी लोड में चलाना है तो स्टैंडर्ड मोड में चलाओ, इको मोड में चलाना है तो नीचे चलाओ। और ये बटन है, ये जो बटन है, इस बटन की मदद से आप जैसे कोई फॉल्ट आ गया ट्रैक्टर के अंदर, तो इसको आप 3 सेकंड तक दबाओगे तो जो फॉल्ट है वो आपको यहाँ क्लस्टर मीटर के अंदर जो है यहाँ पे दिखाई देगा कि मेरे ट्रैक्टर के अंदर क्या फॉल्ट है। और इलेक्ट्रॉनिक जो है इस ट्रैक्टर की रेस है, ये देखो कितनी स्मूथ इलेक्ट्रॉनिक जो है रेस है इस ट्रैक्टर की। और जो है ये
जैसे एक तरीके से जो दिमाग है ट्रैक्टर का वो यहाँ पे रखा गया है, ये रखा है यहाँ पे दिमाग, इसी से जो पूरा ट्रैक्टर आपका कंट्रोल होगा। और गियर दिखा दें, ये देखो, ये 1 2 3 रिवर्स और ये पार्किंग लॉक। और इधर जो दिखा दें आपको ABCD, डी के 4 गियरों में जो है 4 स्पीड में आई लॉक की, उनमें ट्रैक्टर आपको देखने मिला। ये PTO की क्लच, ये देखो, इसको जब आप आगे खींच देंगे तो ये PTO की क्लच लग गई। और ये जो ट्रैक्टर है ये 540 और रिवर्स दो में आता है सिर्फ, इसमें जो है 1050 चक्कर जो आपको देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन ये 1000, ये 540 और जो है पीछे जो है रिवर्स, रिवर्स किया तो ट्रैक्टर जो है बोलने लग जाता है कि भाई रिवर्स गियर लग गया। और जो है इस तरीके से जो है आपको ये ट्रैक्टर आपको देखने को मिलेगा। और बाकी सारी जो है रीडिंग यहाँ पे दी गई है। ये जो है सीट को जो है आप एडजस्ट कर सकते हैं, 4-way एडजस्टेबल सीट इस ट्रैक्टर के अंदर आपको देखने को मिलेगी। और जो है सामने वाले टायर साइज़ की बात करें तो ये जो है 650 का जो है इसका फ्रंट टायर और 16 है इसका बैक टायर के साथ आपको देखने को मिला। काफ़ी हैवी फेंडर, फेंडर रेल और डबल डिस्ट्रीब्यूटरी वाल के साथ ये ट्रैक्टर आपको देखने को मिलेगा। बात करें PTO पावर की तो 51 HP की PTO पावर ये ट्रैक्टर आपका 5310 57 HP का जो है जनरेट करता है 70 लीटर की फ्यूल कैपेसिटी के साथ। डीजल की जो है इसकी फ्यूल कैपेसिटी जो है बढ़ा दी, जो डीजल का मतलब साइज़ है वो 70 लीटर अब इसके अंदर आने लगा, पहले 65 लीटर आता था। और ये बैक लाइट और ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे जो इस ट्रैक्टर की दिखाई दे रही हैं आपको, बड़ा ही शानदार जो है ट्रैक्टर ये दिया गया है। और ये देखो ये यहाँ पे भी जो है ये रेस है, जो पैर वाली रेस है उसके भी जो है यहाँ पे, क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल उसी से जो है कंट्रोल होगा ट्रैक्टर। और ये जो है डिफरेंशियल लॉक और ये डबल डिस्ट्रीब्यूटरी वाल का जो है लीवर, और पीछे जो है हमें लिफ्टों में सिंगल चलाना डबल हुआ, यहाँ से लॉक अनलॉक होगा। और मेन जो है पोजीशन एंड ड्राफ्ट लीवर यहाँ पे इस ट्रैक्टर के आपको देखने को मिलेंगे। अब इस ट्रैक्टर को जो है चला के दिखाएंगे आपको कैसे जो है ट्रैक्टर स्टार्ट होता है, इसकी आवाज़ सुनवाएंगे। ये देखो बिल्कुल गाड़ी की तरह जो है ये ट्रैक्टर स्टार्ट होता है, गाड़ी की तरह जो है ट्रैक्टर आपका स्टार्ट होगा। ये कटाई देख लो इस ट्रैक्टर की, ये देखो बिल्कुल शानदार आवाज़ है ट्रैक्टर की, कोई धुआं नहीं। बढ़िया आवाज़ देख लो ट्रैक्टर, दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, हमारी जो जानकारी थोड़ी कम हो तो आप जो है कमेंट के माध्यम से जो है आप बता सकते हैं कि किस चीज़ की कमी जो है इसके अंदर रहेगी, तो आप जो है इसको बताएं। और जो है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा फेसबुक पेज भी है मिसाइल ऑफ फार्मर के नाम से, वहाँ पे भी आप जो है फॉलो करें इसको। धन्यवाद।